तो गाइस आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube के चैनल में। और इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि दोस्तों अगर आपको यहां पे Google Meet के एप्लीकेशन में इस तरीके से जो है प्रॉब्लम आती है, जब भी आप जो है क्लास ज्वाइन करते हैं तब यहां पे आपको लिखा हुआ इस तरीके से देखने को मिलता है। यहां पे लिखा रहता है समवन इन द कॉल डिनाइड योर रिक्वेस्ट टू ज्वाइन डिसमिस। तो अगर आपको इस तरीके से जो है प्रॉब्लम आती है तो इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि कैसे आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है। तो गाइस यहां पे मैंने सवेरे सवेरे मेरा जो है क्लास वो चल रहा था तब यहां पे मैंने जो है ज्वाइन करने की कोशिश की, तब यहां पे मेरे को इस तरीके से जो है लिखा हुआ देखने को मिला। तो बेसिकली हुआ क्या कि गाइस जब मैं क्लास को ज्वाइन कर रहा था तो यहाँ पे जो भी लिंक भेजे हुए हैं, जो कि ग्रुप मतलब कि जो भी वीडियो का ऑनर है, मतलब कि जो भी मीटिंग रखा है गाइस, उन्होंने मेरे को एक्सेप्ट नहीं किया। यानी कि मैं ज्वाइन कर रहा था तो वो जो है एक्सेप्ट नहीं किया, तो जिसके वजह से मेरे को इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही थी। ओके, और आपको भी इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है, मतलब कि जो भी बंदे उस वीडियो कॉल में हैं वो उन्होंने आपको गाइज एक्सेप्ट नहीं किया है, तभी गाइज यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आती है। अदरवाइज़ आप एक सेटिंग कर सकते हैं अपने फ़ोन में, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक सेटिंग कर लीजिए अपने फ़ोन में। तो सबसे पहले आप जो अपने फ़ोन में सेटिंग को ओपन करिए। सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर की ओर स्लाइड करनी है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आता है एप्लीकेशन का, तो आपको क्लिक करना है। और उसके बाद गाइज यहाँ पे आपको मैनेज एप्लीकेशन में चले जाना है और यहाँ पे आपको सर्च बार पे क्लिक करना है। और गाइज यहाँ पे आपको गूगल मीट को इस तरीके से लिख के आपको जो है सर्च करनी है। यहाँ पे जैसे आप लिखेंगे तो आपके सामने जो है वो जो एप्लीकेशन है वो आ जाएगा, तो उसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर की ओर स्लाइड करनी है और यहाँ पे आपको रेस्ट्रिक्ट डाटा यूसेज करके लिखा हुआ देखने को मिलता है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको वाईफाई और मोबाइल डाटा को इनेबल कर देना है। तो जैसे ही इनेबल करेंगे तो ये जो एप्लीकेशन है वो आपके फ़ोन के थ्रू और आपके डाटा के थ्रू, वाईफाई के थ्रू आपका इंटरनेट यूज़ कर पाएगा। तो इस तरीके से गाइज आप जो है सेटिंग कर लीजिए। हो सकता है आपके फ़ोन में इंटरनेट का प्रॉब्लम हो, तो जिसके वजह से आपको इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।